हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर सीरीज टीच विथ मी। तो इस बार हमारा वीक 13 प्लानर है, तो इसमें लेटर ऑफ द वीक होगा W, नंबर ऑफ द वीक होगा नंबर 13 और राइम ऑफ द वीक होगा टेडी बेयर। अब हम देखते हैं डे बाय डे, यानी कि डे 1 मंडे को बच्चे सीखेंगे अल्फ़ाबेट W और उसका फोनिक और उससे स्टार्ट होने वाले 3 वर्ड्स। उसके बाद W की फिंगर ट्रेसिंग करेंगे। फिर ऑपोजिट सिखाने के लिए आप ये पज़ल यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से पज़ल आता है, ऑपोजिट्स को जॉइन करके पज़ल को सॉल्व करना होता है। तो इसमें बच्चों को रीडिंग नहीं भी आती है तो भी बच्चे ड्राइंग देख के कर लेते हैं। दिस लेडी बर्ड इज इनसाइड द जार एंड हियर इट इज आउटसाइड द जार। ही इज होल्डिंग 2 डंबल्स। ही इज स्ट्रांग बट सी इन दिस पिक्चर ही इज क्राइंग एंड ही इज होल्डिंग ओनली 1। सो ही इज वीक। ही इज नॉट एबल टू होल्ड इवन 1। सो ही इज वीक। ही इज स्ट्रांग। सो ऑपोजिट ऑफ वीक इज स्ट्रांग। उसके बाद डे 1 पे ही आप नंबर 13 बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं डे 2 यानी कि ट्यूसडे। तो इस दिन बच्चों से आप इस तरह की पैटर्न राइटिंग ज़रूर करवाइए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर ऊपर का ट्रेसिंग बच्चे ने किया हुआ है तो W या फिर V लिखने में बच्चों को बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। डे 2 पे ही आप ये नंबर वर्कशीट दे सकते हैं। इस तरह की वर्कशीट आपको 10 से लेकर 20 तक के हर नंबर में ऐसी ही वर्कशीट देनी है, जिसमें कि TO लिखा हुआ रहेगा और बच्चे नंबर लिखेंगे और इस तरह से बच्चे 10 बलून्स बनाएंगे या बॉल्स बनाएंगे 10 बॉक्स के अंदर, और जितना भी बाकी बचता है, जैसे 13 में 3 बचता है तो 3 बच्चे बाहर बनाएंगे, फिर 13 का ये एबेकस सॉल्व करेंगे बच्चे। उसके बाद हम आते हैं डे 3 यानी कि वेंसडे। तो इस दिन बच्चे अल्फ़ाबेट W की प्रैक्टिस 4-लाइन नोटबुक में करेंगे। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट वर्कशीट आती है जिसमें कि व्हाट कम्स आफ्टर एंड व्हाट कम्स बिफोर आता है, तो ये आप ज़रूर करवाइए अपने बच्चों से। बिकॉज मेरी बेटी से भी नर्सरी के एंड में यानी कि अभी के टाइम पे उसे रिवीजन के टाइम पे यही सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। 12 सो व्हाट कम्स बिफोर 13? यस राइट। 12 व्हाट कम्स आफ्टर 12? 13। उसके बाद हम आते हैं डे 4 यानी कि थर्सडे। तो इस दिन बच्चे फोनिक का एक रिवीजन शीट करेंगे। एह, सो विच वन इज एह हियर? यस, नो, फोर। उसके बाद डे 4 पे आप इस तरह से नंबर प्रैक्टिस बच्चों को और भी करा सकते हैं। उसके बाद एक कलर रिवीजन शीट है जिसमें कि आप उनको इस तरह से अल्फ़ाबेट्स लिख के दीजिए और आप बताएंगे कौन सा कलर लेना है और कौन सा अल्फ़ाबेट कलर करना है। नाउ कलर ऑल द ई एंड एह with orange color. Pick orange color. Yes. So color all the E's with orange color. उसके बाद वीकेंड पे आप ये एक फ़न क्राफ्ट करवा सकते हैं बच्चों से। मेरी बेटी के स्कूल में भी कराया है इस तरह का। आइसक्रीम स्टिक से W बनवाया है और W से क्योंकि वर्म होता है तो वर्म की तरह ही इसका डिज़ाइन है। Teddy bear, polish your shoes. Teddy bear, go to school. Off to school.